मेडिकल फील्ड संभावनाओं से भरी हुई फील्ड है। बहुत सारा स्कोप, बहुत सारी करियर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कम नॉलेज की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी यह सोचते हैं कि अगर उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर वह नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो वह मेडिकल क्षेत्र में अच्छा करियर, शानदार करियर नहीं बना सकते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी गलत है। आज आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आपको नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और आप एक शानदार से शानदार करियर, उज्जवल से उज्जवल भविष्य अपने मेडिकल फील्ड में, मेडिकल के क्षेत्र में आप बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर आपको पूरी तरह से शानदार करियर, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल, एक अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहला जिसको मैंने 10th नंबर पर रखा है वह है आपका कोर्स बीएससी नर्सिंग, जिसके अंदर आप नर्स बन सकते हैं। और कोर्स की ड्यूरेशन की हम बात करें तो 4 इयर्स इस कोर्स की ड्यूरेशन है। बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप जा करके यहां से इसकी कंप्लीट डिटेल, कॉलेज के बारे में, कोर्स फीस के बारे में, सारी चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 3 लाख से 8 लाख पर एनम होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको सैलरी अच्छी खासी यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की जो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ये एक 3 ईयर यूजी प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च के बारे में चीजें बताई जाती हैं। और अगर मैं यहाँ पर कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं, जिनमें की फर्ग्यूसन कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, सियो नादर यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको यह कोर्स कराते हैं और आपको एक शानदार करियर ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की जो कि है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और ह्यूमन न्यूट्रिशन फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, जिस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 इयर्स है। और इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल जो होगी वो एक न्यूट्रिशनिस्ट की होगी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की होगी और रिसर्च की होगी। और आपकी जो सैलरी होगी वो 5 लाख से 7 लाख पर एनम आपको यहाँ पर आपको आपकी सैलरी देखने को मिलेगी और एक शानदार कैरियर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगली हम बात करें तो अगला जो कोर्स है वह है आपका बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जैसा कि आप देखते हैं ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्कोप देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पे होता है। इसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और यहाँ पर आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये 3 से 4 इयर्स का है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट आप यहां पर बन सकते हैं। सैलरी की हम बात करें तो 2 से 5 लाख पर एनम आपकी यहां पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका इंटरेस्ट फॉरेंसिक साइंस में है, जो चाहते हैं कि कोई भी मर्डर मिस्ट्री हो इनको सॉल्व करना, जिनको कहीं ना कहीं एक जासूस बनने का ज्यादा शौक है, यानी कि वो चाहते हैं वो क्राइम की दुनिया में एक अच्छा वर्क करें, तो उनके लिए है बीएससी इन साइबर फॉरेंसिक्स। ये ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन करके आप सर्व कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन है 3 से 4 इयर्स और आपका पैकेज जो होगा, सैलरी की जो होगी वो 6 से 8 लाख पर एनम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की जो है बीएससी इन फिशरीज, जिसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स और यहाँ पर आपको जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी मैरीन बायोलॉजिस्ट, फिशरीज साइंटिस्ट, और आपका जो सैलरी होगी वो 5 लाख से 10 लाख पर एनम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की जो कि है बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जिसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स और यहाँ पर जो आपको जॉब मिलने वाली है वह है कार्डिक टेक्नीशियन की, जिसकी सैलरी जो आपकी होती है वो जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा आपकी सैलरी ग्रो करती चली जाएगी और वह है 4 लाख से 20 लाख पर एनम। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कोर्स की जो बहुत ज्यादा प्रेफर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स करते हैं, वह है बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस, जिसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स का और यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल होगी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्री बिजनेस, एग्रोनॉमी, और आपका जो पैकेज होगा वो 5 लाख से 9 लाख पर एनम आपको देखने को मिलेगा। अगले कोर्स की बात करें, अगर आप बायोलॉजी के थ्रू एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका एक कोर्स है बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग।
इस कोर्स की ड्यूरेशन आपकी है 4 इयर्स, और यहाँ पर जो आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो बायोमेडिकल इंजीनियर की होगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है, पर एनम आपको ये सैलरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका इंटरेस्ट मेडिसिन इंडस्ट्री में है, जो चाहते हैं कि वो फार्मासिस्ट बने, उनके लिए जो कोर्स है वह है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम बी फार्मा कहते हैं। इसकी कोर्स की ड्यूरेशन 4 इयर्स की है, और आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो फार्मासिस्ट की होगी। 2 लाख to 5 लाख पर एनम आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगले कोर्स की, जो है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें आपको जो जॉब प्रोफाइल मिलेगी वह है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4.5 इयर्स की है। स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी यहाँ पर 4 लाख से स्टार्ट होगी, आगे आपकी सैलरी इंक्रीज करती चली जाएगी। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपके जॉब की प्रोफाइल बढ़ती चली जाएगी, उस तरीके से आपका पैकेज भी बहुत अच्छा होने वाला है। और अब मैं बता दूं आपको अगले कोर्स के बारे में, जो कि है BNYS। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो योगा में, नेचुरोपैथी में, और इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है यहाँ पर आपके 10+2 में 45 से लेकर के 50% की कोर्स आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस कोर्स की ड्यूरेशन 4.5 इयर्स, जिसमें कि 1 साल की एडिशनल इंटर्नशिप भी आपको करने को मिलेगी, और नेचुरोपैथी आप डॉक्टर बनेंगे, और आपकी सैलरी जो होगी वो 3 to 5 लाख यहाँ पर आपकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेहतरीन कोर्सेज थे जिनके अंदर आप जा करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस आप दे सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको 10+2 आफ्टर नीट, यानी कि नीट आपको ना देना हो, विदाउट नीट ये कैरियर ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।